इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मुल्क में भगवा एजेंडा नाफिज करने से पहले भगवेकरण की जहनीत से मुतासिर कैसे है, भगवा रंग हर तरफ लगाने की कोशिश कर रही है, इसकी मिसाल बेलगाम में भी देख सकते हैं कि बेलगाम शहर के तमाम बिजली के खंभों को आखिर किस पस मंजर में या फिर किसके हुक्म पर भगवा रंग लगाया जा रहा है, इस पर कोई सवाल भी पूछने के लिए तैयार नहीं। क्या यह हुकूमत का फरमान है या स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के तहत इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। हासिल तरह के मुताबिक फिरका परस सोच ज़हनियत के भाजपा लीडर के कहने पर इस तरह के खंभों को बिठाया जा रहा है। क्या कोई उस ठेकेदार से सवाल कर पाएगा जो बिजली के खंभों के जरिए नफरत का पैगाम पहुंचाना चाहता है। आगे हुकूमत की जानिब से तमाम शहर के बिजली के खंभों को भगवा रंग देने का हुक्म आखिर दिया कहां से है, या कोई भी अपनी मर्जी से तमाम कामों को अंजाम दे रहा है, इसकी तहकीक होनी जरूरी है। पहले हमने देखा है कि तिरंगा रंग शहर के अहम चौरास्तों पर और उसके साथ अहम सड़कों पर लगाए बिजली के खंभों पर देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ अर्से से मनमानी कामों का दौर जारी हुआ और ये तमाम ऐसे नहीं बल्कि एक सोच और फिक्र से मुतासिर लोगों में देखी जा रही। इस भगवे रंग की संजीदगी को इस बात से भी महसूस किया जा सकता है कि वाराणसी में आवामी इजलास को 13 तारीख को मुखातिब होंगे, लिहाजा वाराणसी रास्ता जो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है उस रास्ते में मस्जिद को महज इस रास्ते से वजीर आजम का जाना होने वाला है, इसलिए मस्जिद को ही भगवा रंग लगाया गया। अब इसे क्या कहा जाए, क्या वजीर आजम को खुश करने के लिए इंतजामिया अब कुछ भी गैर आईनी कामों को अंजाम देती रहेगी। जैसे बेलगाम में भी स्मार्ट सिटी के खंभों पर भगवा रंग लगाया जा रहा है, पूरे खंभे पर महज ऊपर ही भगवा रंग और नीचे सफेद रंग है, हरा कलर कहां गया। महज इतना ही नहीं बल्कि खेतों में पानी बिजली मोटर से पानी की पाइप लगाई जाती है, इन्हें भी भगवा रंग देना शुरू कर दिया गया। पहले उसे हरा कलर दिया जाता था जो सब्जी या जो खेत में जो हरियाली होती है उसमें वो छिप जाए, लेकिन अब जानबूझकर इसे भी भगवा रंग दिया जा रहा है। किस हद तक ज़हनी मरीज ये लोग पाए जाते हैं, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है क्या। अभी बेलगाम में 13 तारीख से अधिवेशन होने जा रहा है। मजहब तब्दीली कानून जिसे धर्म परिवर्तन कानून के तौर पर मशहूर किया गया है, अब ये कानून ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि ईसाइयों को चर्च बंद रखने का अजीब फरमान निकाला गया था, फिर काफी इस पर मुल्की सतह पर हंगामा भी हुआ, लेकिन किस तरह ये काम पर मुस्तकिल हमले कर माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, लिहाजा आज सेंट जोसेफ वर्कर चर्च पर हमला करने की कोशिश करते हुए तलवार लेकर चर्च में घुसकर प्रिस्ट फ्रांसिस डिसोजा पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन बिना किसी जख्म के वो बच गए। लेकिन क्या ऐसे ही होता रहेगा, हम इस बात पर इत्मीनान करते रहेंगे क्योंकि प्रिस्ट बच गया। आखिर बेखौफ हथियार लेकर हमला करने वालों पर कार्रवाई की मांग आवाम की जानिब से कब की जाएगी, आखिर खामोशी कब तक। आज फिर प्रमोद मुतालिक ने मंगलोर में धर्म परिवर्तन की कोशिश करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। आखिर मीडिया भी ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा देती है, आखिर पूरा समाज भी यही चाहता है क्या, इस तरह नफरत परोसते रहे और सभी तमाशाई बनकर देखते रहे। बुराई किसी भी धर्म जात पात की हो जब माशरे में बढ़ती है तो बुराई की चपेट में वो लोग भी आते हैं जो शुरुआत में खामोश बैठकर तमाशा देखते रहते हैं। यह हमारा मसला नहीं है कहने वाले आखिर में ये भी इसी चपेट में आ जाती। गुरुग्राम का मामला तो हर जुमा की नमाज को लेकर होता रहता है, अब तो हरियाणा के वजीर आलम मनोहर लाल खट्टर ने खुलेआम कह दिया कि खुले में नमाज अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि कानूनी कार्रवाई के तहत नमाज पढ़ी जा रही थी। अब जहां मुसलमान हर जुमा की नमाज पढ़ते थे उसी जगह पर हिंदुत्ववादी तंजीम के अफराद ट्रैक्टर गाड़ियां लाकर नमाज को रुकावट बने और नमाज अदा करने नहीं दिया गया, मतलब अब क्या क्या किया जाएगा। क्या हुकूमतों ने भी इंतजामिया के जरिए दबाव तंत्र चलाकर संविधान के दिए हुए हुकूक को कुचला जाएगा। यूपी के योगी हो या कर्नाटक के बसवराज बोम्मई या हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, अब किसी के लिए भी कोई संविधानिक दायरे मायने नहीं रखती, क्योंकि जो चाहे अपनी सियासत चमकाने के लिए अकलियतों को निशाना बनाकर अक्सरियत तबके को खुश करना चाहता है। लेकिन कोई इंसाफ नाम की भी चीज होनी चाहिए, कोई किसी भी सुलगते मसले पर बोलना नहीं चाहता। फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत पर महीनों टीवी डिबेट मीडिया के जरिए तफ्तीश तहकीक इंक्वायरी की गुहार लगाई जा रही थी, रोजाना डिबेट हो रहे थे, लेकिन मुल्क के सबसे बड़े तहफुजी दस्ते के जिम्मेदार बिपिन रावत की मौत हो गई, लेकिन कोई आवाज उठते नहीं देखी जा रही, मामूली हादसे की तरह खामोशी देखी जा रही है। वजीर आजम के दौरे में आने वाली मस्जिद को इस तरह भगवा रंग में रंग देना किसी दूसरे के मजहब को लेकर हुकूमतों में एक तरह के नफरत का मुजहरा ही कह सकते हैं। बेलगाम शहर में लगे
बिजली के खंभों पर भगवा के क्यों लगाया जा रहा है? तिरंगा का वह हरा रंग किसके कहने पर नहीं लगाया जा रहा, इसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह मनमानी हुकुमशाही हर तरफ देखी जा रही है, इस पर कहीं तो रोक लगनी चाहिए। अब इंतजामिया को भी इंसाफ करते हुए कौन सा सियासी लीडर गलत हुकुम तो नहीं दे रहा, इसका ख्याल रखना होगा। ईसाइयों के चर्च पर हमले रुकने होंगे और तमाम शहरियों को किसी धर्म जात पात का तफरका न करते हुए आगे आना होगा। जिस तरह एक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। भारत की रूह एकता भाईचारगी है। इस मुल्क की खूबसूरती ही अनेकता में एकता है। सभी मजाहिब को अपने तौर पर अमल करने की इजाजत भारत का संविधान देता है। मुख्तलिफ मजाहिब के इस गुलदस्ते को एक ही रंग देने की कोशिश कभी कामयाब भी नहीं हो सकती, क्योंकि इत्तेहाद इस मुल्क की रूह में बुनियाद में है और इस मुल्क की बुनियाद इतनी मजबूत है कि जिसमें महात्मा गांधी का खून, बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानियां इसमें शामिल है। कितने गौड़ से इससे पहले भी आए और चले गए, एक बार फिर गौड़ से वादी महात्मा गांधी की, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी हरगिज नहीं मिल सकती। लेकिन आज के दौर में अक्सरियत समाज की खामोशी नाम निहाद गौड़ से वादियों की हिम्मत में इजाफा जरूर कर रही है, जिसका खतरा आगे हम ही को भुगतना पड़ेगा। आप हमारे घर आए, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी शहर के सड़कों को देखते हैं, ऐसा कहने की नौबत बेलगाम वालों को आई है। बेलगाम अधिवेशन सेशन कुछ भी कही है, लेकिन 10 दिन का मेला बेलगाम शहर को साफ करने का वाहिद जरिया कहने से गलत ना होगा। अगर कोई खास मेहमान आता है तो महज जिस रास्ते से वजीर आला, वजीर आजम या कोई बड़ा लीडर गुजरता है, उसी सड़क को संवारा जाता है, उसकी मरम्मत की जाती है। लेकिन जब अधिवेशन आता है तो हर सड़क, हर डिवाइडर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि इसे सालों साल तक घुसल नहीं दिया जाता, नहलाए धुलाए नहीं जाता, पानी के फवारे रास्ते पर उड़ाए नहीं जाते। बरसों से सड़कों पर की सफेद लकीरें गायब रहती है, अब नई दुल्हन की तरह सड़कों का नजारा देखा जाता है, रंग बिरंगी बिजली के खंभे लगाए जाते हैं, बाद में वो फिर उसी तरह हो जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह पिछले कुछ दिनों में बेलगाम को सजाया जा रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि तमाम लोग हर 6 महीने को एक बार बेलगाम में अधिवेशन क्यों नहीं करते। अब इस सेशन से कितने गरीबों का फायदा होगा मालूम नहीं, लेकिन तमाम होटल बाजारों में भीड़ कारोबार में जरूर इजाफा हो सकता है, जिससे कुछ हद तक ताजरों में खुशी महसूस की जा सकती है। कुछ लोग इसलिए भी मायूस है क्योंकि सरकारी बिल जल्दी हासिल नहीं होते, 2 जोड़ी जूते घिसना पड़ता है, ऐसा भी कुछ होटल मालिकों को कहते हुए देखा जा रहा। बेलगाम हवाई अड्डा वैसे भी रियासत के 3 मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में से एक है। इसी के मद्देनजर बेलगाम दिल्ली उड़ान हफ्ते में 4 बार होगी। स्पाइसजेट की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक 20 दिसंबर से अमल किया जाएगा। साबिक वजीर आला कांग्रेस लीडर सिद्धरामैया ने फिर आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि मोदी, वाजपेयी, अडवाणी, इन्होंने कभी भी जंग आजादी में ना हिस्सा लिया है और न इस जद्दोजहद में इनकी कोई शमूलियत रही है, लिहाजा आजादी के बाद ये सभी पैदा हुए हैं, ऐसा कहा। कांग्रेस पार्टी के मैसूर में हो रहे मेंबरशिप अभियान में इन्होंने शिरकत की। इस वक्त भाजपा आरएसएस पर खुलकर तंज किया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।